धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज हमसे मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम तो बनाया ही नहीं और मंत्री पद की शपथ भी दिलवाई तो वो भी सिर्फ एक मुस्लिम विधायक को। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। कर्नाटक में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री तो कोई मुसलमान बनाया ही नहीं गया है और आज मंत्री पद की शपथ भी दिलवाई गई है तो वो भी सिर्फ एक मुस्लिम विधायक को दिलवाई गई है, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कई तरीके के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि डिप्टी सीएम तो बनाने से साफ इनकार कर ही चुकी है कांग्रेस और अब लगता है जो 5 मंत्रियों की डिमांड मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही थी वो भी पूरी नहीं की जाएगी। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया और कैसे कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आज के शपथ ग्रहण का ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए जिसमें एक मुस्लिम विधायक जमीर अहमद खान को शपथ दिलवाई जा रही है मंत्री पद की। BZ जमीर अहमद खान इवरन्नु संपुट दर्जे सचिव रागी अधिकार पदा हागू गोप्यता प्रमाण वचन स्वीकरिसलु आह्वानिसुतेने। I, BZ Zamir Ahmad Khan, do swear in name of Allah and my mother, solemnly affirm that I will be true faith and allegiance to the Constitution of India by establish that I will uphold my sovereignty and integrity of India, that I will fulfill and consider discharge my duties as a minister for the state of Karnataka, that I will do the right to all the manners of people according to the Constitution of law without fear and favor, affection, ill will. I, Zamir Ahmad Khan, do swear in name of Allah and my mother, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as law established, that I will uphold the sovereignty. I, Zamir Ahmad Khan, do swear in name of Allah and my mother, solemnly affirm that I will not directly or indirectly connected or revealed of any person or persons any matter which shall be brought to the state of Karnataka state my be of due of discharge my duties as a minister. Hello, hello. देख और सुन लिया, ये मिस्टर जमीर अहमद खान हैं। 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं, चामराजपेट इलाका पड़ता है। 2005 से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी JDS से, जब SM कृष्णा को राज्यपाल बना दिया गया और चामराजपेट की सीट खाली हो गई। उसके बाद इनको JDS ने इस सीट से मैदान में उतारा, ये विधायक बन गए। उसके बाद जब JDS की सरकार थी तो उसमें हज और जो वक्फ बोर्ड का विभाग होता है उसके मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 में इन्होंने अपने कई विधायकों के
साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया था चुनाव से ठीक पहले, और उसके बाद से लगातार दो बार कांग्रेस के विधायक भी बन चुके हैं। सिद्धारमैया जो पुराने जेडीएस के नेता हैं, आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस से कई बार, और इस बार भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो पुराने जेडीएस के नेता हैं, तो उन्हीं के करीबी बताए जाते हैं। तो क्या इसी वजह से आज सिर्फ जमीर अहमद खान को शपथ दिलवाई गई है? आप जानते हैं कि 224 के लिहाज से वहां पर 33 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 10 के आसपास ही जो है मंत्री बनाए गए हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ। तो हो सकता है अगला मंत्रिमंडल विस्तार हो, और उस अगले मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ और मुस्लिमों को जो है मौका दिया जाए। यहाँ सवाल अब ये पैदा होता है कि चलिए ठीक है, सिद्धारमैया के करीबी हैं, जमीर अहमद खान को बना दिया गया, इनका प्रोफाइल जब हमने खंगालने की कोशिश की तो लंबा चौड़ा प्रोफाइल निकल के आता है। नेशनल ट्रेवल के नाम से इनकी एक बड़ी कंपनी है, इनकी सैकड़ों की तादाद में बसें पूरे कर्नाटक में चला करती हैं। 2018 की एक तस्वीर इनकी खूब वायरल हुई थी, जिसमें ये खुद बस चलाते हुए लेके गए थे, जिसमें जेडीएस के विधायक और तमाम तरीके के और नेता जेडीएस के बैठे हुए थे जब कांग्रेस में शामिल होने गए थे। तो ये एक कारोबारी भी हैं और ये एक नेता भी हैं, सिद्धारमैया के करीबी हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि इनको पोर्टफोलियो कौन सा दिया जाएगा, यानी इनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। तो हो सकता है शाम तक ये स्थिति क्लियर हो जाए, लेकिन अभी की खबर यही है कि जो मंत्री पद की शपथ ली है जिन लोगों ने, उनमें से सिर्फ एक मुस्लिम को शपथ दिलवाई गई है, और वो भी सिद्धारमैया के करीबी हैं। आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और उसमें किस तरीके का जातीय आधार पर जो है समीकरण बैठाया जाएगा उसको भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पिछड़ों के बड़े नेता वहाँ पर माने जाते हैं, जमीर अहमद खान से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा कि आपके सामने रख दें। अच्छी बुरी जो भी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या वस्तु लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त। BZ जमीर अहमद खान इवरन्नू संपुट दर्जे सचिव रागी अधिकार पदा हागू गोप्यता प्रमाण वचन स्वीकरिसलु आह्वानिसुतेने। आई BZ जमीर अहमद खान डू स्वेर इन नेम ऑफ अल्लाह एंड माय मदर solemnly affair that I will be true faith and allegiance to the constitution of India by establish that I will uphold my sovereignty and integrity of India, that I will fulfill and consider discharge my duties as a minister for the state of Karnataka, that I will do the right to all the manners of people accordance to the constitution of law without fear and favor affection ill will. I Zamir Ahmad Khan do swear in name of Allah and my mother solemnly affair that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as law established, that I will uphold the sovereignty. I Zamir Ahmad Khan do swear in name of